आपका हाउ वुड आई नो सर वाला डायलॉग बहुत ही पॉपुलर है सर। इस डायलॉग के पीछे थोड़ा सा स्टोरी बताइए सर, ये कैसे डायलॉग आपके साथ ऐसा एसोसिएट हो गया और हमारे वेब सीरीज में आपने भी यूज किया है मैम के लिए, रेनो का मैम के लिए। राइट 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 आई फर्स्ट गिव यू द हाईलाइट। यस सर। हाउ वुड आई नो सर, हाउ वुड आई नो सर। सी दिस डायलॉग इज ऑलरेडी रिटन इन स्क्रिप्ट। व्हेन आई स्पोक दिस लाइन आई से हाउ वुड आई नो सर, सो देन राजू सर टोल्ड मी के इसका मैंने मीटर बैठाया है टकिया कलाम का, पंच लाइन का। तो अच्छा उस राजू सर ने मुझे सिखाया कि आई वॉन्ट हाउ वुड आई नो सर। सो उन्होंने व्हेन आई वाज ए हाउ वुड आई नो सर मैं ऐसा बोलता था, बट शूट अच्छा में करेक्टेड मी। एंड ये जो पंच लाइन है वो राजू सर की खुद की क्रिएटिविटी है कि उसको ये मीटर में कैसे बैठाना है। तो वो फाइनली इट केम आउट वेरी वेल। तो मैंने सर को यही पूछा कि सर ये तो इंग्लिश में है, व्हाट अबाउट अवर हिंदी ऑडियंस। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो नॉर्मल डायलॉग्स है वो हिंदी ऑडियंस भी पिकअप कर लेते हैं और वो लोग मिमिक्री भी करते हैं। एंड फाइनली ऐसा ही हुआ कि हिंदी ऑडियंस को भी ये डायलॉग बहुत पसंद आ गया। और फिर मेरा डैडी का डायलॉग, कैरम रमवानो जूस पीवानो मज्जा नहीं लाए रानी यस तो पप्पा नहीं। सो दिस बोथ डायलॉग्स बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर एंड थैंक्स टू राजू भाई एंड बीटू विनोद सर के मेरी एक नेम फेम और मनी और एक रिस्पेक्ट बनी। आज इंडस्ट्री में जहां भी मैं काम करता हूँ सीनियर डायरेक्टर्स आल्सो कॉल मी कुरुश सर। ये सर का जो रिस्पेक्ट मुझे मिला वो मुन्ना भाई एमबीबीएस से मिला। और इवन व्हाट यू से 17 साल हो गए इस फिल्म को, फिर भी अभी भी ऑडियंस को मेरा चेहरा याद है। यस मैं कोई भी गेटअप में हूं तो मुझे पहचान लेते हैं। और जो मुझे काम मिला है इसमें भी 75% कंट्रीब्यूशन इनका है। नेचुरली आई हैव टू गिव ऑडिशंस, बट बहुत सारा काम डॉक्टर रुस्तम पावरी का जो कैरेक्टर है उसकी वजह से मुझे रिपीट किया है। सो थैंक्स टू वंडर। मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड थैंक्स टू जगदीश भाई दैट ही गेव मी अपॉर्चुनिटी अरे एज अ नहीं, डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर जोसेफ इन स्टार्टिंग ट्रबल्स। एंड दिस इज अ न्यू फॉर्मेट और रियली वी एंजॉयड इट। मेरा जो कैरेक्टर है उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, कॉमेडी है, रैगिंग है, नेगिंग है, प्लस जो मेरी ऊपर की जो डॉक्टर मैम है उसका भी टॉर्चर है। सो दैट मीन्स दिस कैरेक्टर हैज लॉट्स ऑफ शेड्स। एंड जगदीश सर ने उसको ऐसा डिजाइन किया था जिससे ये कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से आया। सो थैंक यू जगदीश भाई, थैंक्स अरे नहीं सर, फॉर स्टार्टिंग ट्रबल्स। रियली आई एंजॉयड इट एंड इट्स अ क्वालिटी वेब सीरीज। लेट मी टेल वंडरफुल। यू आई ऑल्सो थैंक्स टू अभिनव कमाल सर एंड ऑल माई कलीग्स कास्ट एंड क्रू मेंबर्स। इट इज अ गुड प्रोडक्ट एंड ऑडियंस विल लव इट। आई डेफिनेटली हैव कॉन्फिडेंस इन इट। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी काम किया है और स्टार्टिंग ट्रबल्स में भी काम किया है और दोनों में आपने डॉक्टर का किरदार किया है, तो एक तरह से आई थिंक आपको लोग डॉक्टर के रोल में ज्यादा पहचानते हैं। बट सर, व्हाट डू यू फील फ्रॉम वेब सीरीज ऑफ मेडिकल कॉमेडी वर्सेस मूवी ऑफ मेडिकल कॉमेडी में, आपको क्या क्या अच्छा लगता है सर? देखिए क्या होता है ना कि आप रोज थाली में खाना तो खाते हैं, आपका पेट भरने के लिए, डाइट के लिए, ये सब चीज के लिए हर राइट एक आइटम का टेस्ट अलग-अलग होता है। वैसे ही ईच प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। नाउ मुन्ना भाई एमबीबीएस इज अ बेंचमार्क फिल्म लाइक शोले। मुन्ना भाई एमबीबीएस हैज रिपीट वैल्यू। उसके सारे किरदार कैरेक्टर्स बहुत ही फेमस हो गए, छोटे छोटे माइनर कैमियोज भी किए थे वो भी फेमस हो गए। तो लेट्स कीप मुन्ना भाई एमबीबीएस आउट ऑफ कंपटीशन बिकॉज इट इज नाउ अ बेंचमार्क क्लासिक एंड व्हाट यू कॉल कल्ट मूवी। इट यस इज अ सर, कल्ट मूवी बिकॉज वो मूवी ने एक नया जोनर डाला, इमोशनल कॉमेडी। मतलब कॉमेडी में इमोशन का जो तड़का राजू भाई ने निकाला वो बहुत टच हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ कैरम में वो डैडी बेड रिडन थे और कैरम खेल रहे तो मेरी आंखों में से एकदम बोलने की ताकत नहीं थी, फिर भी मैं बोलता हूँ पप्पा करके। और वो पप्पा जो मैंने बोला स्क्रीन पे वो ऑडियंस को बहुत पसंद आया।
तो उसमें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, ड्रामा कॉमेडी एंड ऑल्सो अ ट्रेजेडी, बहुत अच्छा इमोशंस उन्होंने कवर किया था और फिर ह्यूमर डाला था, ट्रेजेडी में भी ह्यूमर डाला था और सीरियसनेस में भी ह्यूमर डाला था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि इट बिकम्स अ लाइट मूवी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट स्टार्टिंग ट्रबल्स। स्टार्टिंग ट्रबल इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। डॉक्टर जगदीश सर ने पहले इसको इन्वेंट किया था, ही एक्सपेरिमेंटेड इन हीज ओन वे एंड देन ही डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू डू इट अनदर वे फॉर अ मेनस्ट्रीम वेब सीरीज, बिकॉज सिर्फ मेडिकल मेडिकल होता है तो उसका जो जोनर है वो मेडिकल फैटर्निटी या मेडिकल लविंग ऑडियंस के थ्रू ही रहता है। लेकिन डॉक्टर जगदीश सर ने एक तो उनका जो ह्यूमर है, कॉमेडी है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का एक जोनर होता है वो, प्लस मेडिकल जोनर है, ये दोनों जोनर मिक्स किया, प्लस उसकी लाइफ्स में जो अप डाउन्स आते हैं और उसके इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स घूमते हैं, जिससे पता चलता है कि लाइफ इज नॉट इजी। एवरी डे यू हैव अ गुड टाइम, एवरी डे यू हैव अ बैड टाइम, एवरी डे यू हैव टू स्ट्रगल, सो दैट्स व्हाई योर टाइटल इज जस्टिफाइड दैट स्टार्टिंग ट्रबल्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट फील गुड हाईलाइट्स इन ऑल एपिसोड, इट गिव्स ऑडियंस होप एंड दे को रिलेट, दे नॉट ओनली सिंपेटाइज बट दे एम्पेटाइज विद द मेन डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी कैरेक्टर, दैट डोज हु हैव स्टडीड इन हॉस्टल लाइफ, डोज हु हैव स्टडीड इन मेडिकल लाइफ और एनी कॉलेज लाइफ एंड एनी रिसर्च थीसिस, दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट सेम ट्रॉमा, सेम प्लेजर, सेम एंजॉयमेंट, अप्स एंड डाउन, सो ऑडियंस आर गोइंग टू रिलेट वॉट जगदीश चतुर्वेदी फेस्ड इन दिस पर्टिक्युलर वेब सीरीज। सो आई थिंक इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वी कांट कंपेयर विथ इवन अदर मेडिकल साइंस ड्रामा, बिकॉज यू नो दैट मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैरेक्टर हैज मल्टीपल शेड, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ रूकी न्यू कमर इन मेडिकल कॉलेज एंड देन ही फेस्ड लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, देन हाउ ही मैनेज, हाउ ही एम्फेसाइज ऑन मार्केटिंग एंड हाउ ही इन्वेंटेड न्यू वेव्स इन मेडिकल मेडिकल बिजनेस। सो आई थिंक दैट दिस वेब सीरीज विल गिव इंस्पिरेशन टू मेडिकल फैटर्निटी एज वेल एज ऑल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड इट गिव्स इंस्पिरेशन दैट इन फ्यूचर दे कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल एंड ऑल्सो दे कैन हैव देयर ओन हॉबीज एंड मेक अ बैलेंस बिटवीन हॉबीज एंड करियर, लाइक डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी वॉज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वॉज ऑल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट एंड ऑल्सो हैड हिज पर्सनल लाइफ, वॉट एवर लव स्टोरी, फ्रेंड सर्कल, ड्रामा सर्कल एंड हाउ ही फेस डिफरेंट डिफरेंट थिंग। सो इट्स अ जर्नी एंड दिस जर्नी इज ऑर्गेनिक जर्नी, लाइक नो वन कैन से के दिस इज नॉट ऑर्गेनिक एंड जेन्यून। सो डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी कैरेक्टर विल बी अ बेंचमार्क एंड ऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स दे हैव यूनिक कैरेक्टर्स, नॉट अ थैंक यू सिंगल सर। कैरेक्टर, नॉट अ सिंगल कैरेक्टर इज मैचिंग विथ एनी अदर कैरेक्टर, ऑल आर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, सो दैट गिव्स, एंड देर आर सो मेनी सीनियर एक्टर्स इन अवर वेब सीरीज एज वेल एज न्यू एक्टर्स इन वेब सीरीज, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स एज वेल एज ओल्ड स्कूल ऑफ एक्टर्स। सर थैंक यू सो मच सर, आपका आपने इतनी अच्छी तरह से पूरा समराइज किया है, एंड थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिसिएशन जो आपने मुझे दिया और सीरीज को दिया। इन केस बिफोर आई लीव इट टू यू, इफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम योर ऑडियंस और इफ एनीबडी वांट्स टू नो एनीथिंग अबाउट स्टार्टिंग ट्रबल्स, बिकॉज आई विल टेल यू दैट मेकिंग वाज अ डिफरेंट, इट्स नॉट अ नॉर्मल मेकिंग, वी शॉट इन मुंबई एज वेल एज इन बैंगलोर यस एंड लेट मी टेल यू दैट वी यूज्ड जेन्युइन लोकेशंस एंड
इट्स यू कैन से वन ऑफ द क्रिएटिव बेंचमार्क इन मेडिकल जोनर. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस एंड आई एम 100% श्योर दैट दिस वेब सीरीज इज गोइंग टू क्लिक टू द ऑडियंस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. वंडरफुल।